नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एकेडमिक लीडरशिप सीरीज में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिनव कुमार शांडिल्य। आप विभागाध्यक्ष हैं होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी विभाग बिरला प्रौद्योगिकी संस्था रांची। जोहार अभिनव जी, स्वागत है आपका। जोहार डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जब वो अलग अलग डिशेज या कुजींस के बारे में जानकारी रखते हैं तो राजस्थानी, बंगाली, कश्मीरी कुजींस का तो अक्सर लिटरेचर मिल जाता है, लेकिन जैसा कि झारखंड टूरिज्म इसको प्रमोट करता है अनस्पॉइल्ड बाय मैन और टाइम, तो झारखंड कुजीन भी बहुत इंडिजिनस है और बहुत से लोगों को या लिटरेचर में इसकी बहुत ज़्यादा सी जानकारी नहीं है। जो पॉपुलैरिटी इसको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, तो हमारे दर्शकों को कृपया बताएं कि क्या है झारखंडी कुजीन, क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं। जी जरूर, ये सही बात है कि झारखंड का जो कुजीन है अभी बहुत लोगों ने इसके बारे में जाना नहीं, समझा नहीं। इसके जो व्यंजन हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, उनमें थोड़ा सा अगर सुधार किया जाए, ऐसा सुधार जो उनको प्लेट में रखने पे अच्छा दिखे। कहते हैं ना कि पहले हम आँखों से खाते हैं। जी, तो झारखंड का जो व्यंजन है वो काफ़ी स्वादिष्ट है, बहुत साधारण इंग्रेडिएंट्स को मिला के। जी, 5 से 10 इंग्रेडिएंट्स मान लीजिए, हम काफ़ी अच्छे अच्छे व्यंजन बना सकते हैं। उदाहरण के लिए चिकन का इनका देहाती प्रिपरेशन है। जी, ठेकुआ है, 3 से 4 इंग्रेडिएंट लगता है। मालपुआ है, 3 से 4 इंग्रेडिएंट लगता है। जी, हम काफ़ी अच्छे अच्छे व्यंजन बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। अभी हाल ही में मैं एक न्यूज़ क्लिपिंग पढ़ रहा था तो मैंने पाया कि एक जगह पर फूड फेस्टिवल का आयोजन हुआ था और उसमें झारखंडी कुजीन की डिश ठेकुआ को जो है वो पुरस्कृत किया गया। क्या है ये ठेकुआ, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ठेकुआ हमारे त्यौहार से संबंधित है। जी, जैसा कि आप जानते होंगे, अब क्योंकि बिहार झारखंड के लोग दिल्ली हरियाणा हर जगह रहते हैं। जी, तो हमारे यहाँ जैसे होली दिवाली बहुत महत्वपूर्ण पर्व है पूरे भारत में। जी, वैसे ही छठ एक पर्व है। जी, जो कि बिहार झारखंड यूपी में बहुत ही प्रचलित है, लोगों का इसमें आस्था होता है। इसमें उगते सूरज और डूबते सूरज को लोग प्रणाम करते हैं। जी, उसी में ये ठेकुआ प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। जो प्रसाद के रूप में बनाया जाता है उसका मुख्य इंग्रेडिएंट आटा होता है, गेहूं का आटा। जी, और उसको गुड़ के साथ बनाते हैं। जी, उसमें उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए सौंफ बहुत जगह लोग डालते हैं, लेकिन प्रसाद वाले में सौंफ का इस्तेमाल नहीं होता। जी, तो ये तो रही दोस्तों ठेकुआ की बात कि ये मात्र भोजन नहीं है, अपितु उससे भी बढ़कर है, आस्था का विषय है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है और प्रसाद के रूप में इसको हम ग्रहण करते हैं। तो भोजन यदि मन से बनाया जाए, चाव से बनाया जाए और भाव से खिलाया जाए और उसमें अध्यात्म जुड़ जाए तो प्रसाद है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी इसकी तकनीकी डेफिनेशन तो मैं यहाँ नहीं दर्शा पाऊंगा, लेकिन हाँ, हम डॉक्टर अभिनव जी से ये और जानना चाहेंगे कि विभिन्न प्रकार के साग जो है वो बनाए जाते हैं, तो झारखंड में कौन कौन से साग हैं जो प्रसिद्ध हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, यहाँ पे जो आदिवासी समूह के लोग हैं, जी, जो भी पत्ता मिलता है उनको शुरू से वो कोशिश करते हैं कि उसको कुछ ही विभिन्न प्रकार से उसको कूट के या फिर उबाल के नमक मिर्चा के साथ उसको खाते थे। जी, उसमें धीरे धीरे सुधार होता गया। जी, और आज हमारे पास बहुत सारे साग हैं, जैसे कि मूंगा साग उसमें एक बहुत प्रचलित है और जगह यूज भी नहीं होता है। जी, मूंगा साग महाराष्ट्र के कुछ एरिया में कहीं कहीं लोग खाते हैं। जी, मूंगा साग जो ड्रमस्टिक जिसको बोलते हैं, बहुत जगह सहजन बोलते हैं हिंदी में, जी, सांभर में उसका बहुत इस्तेमाल होता है। ये तो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है। बहुत लाभकारी। उसके पत्ते को, छोटा छोटा पत्ता होता है, उस पत्ते को पहले कूटते हैं। जी, कूटने के बाद उसको उबाल सकते हैं। जी, उबालने के बाद ऐसे ही खा सकते हैं नमक मिर्चा और साधारण फ्लेवरिंग एजेंट्स के साथ, या फिर उसमें हम लोग थोड़ा आलू मैश करके डाल सकते हैं। ये मूंगा साग है। जी, इसके अलावा बथुआ का साग यूज करते हैं, लाल साग यूज करते हैं, बेंग साग यूज करते हैं। जी, और बहुत सारे साग है जिसको पहचानना भी एक शहरी इंसान के लिए मुश्किल होगा और आदिवासी समूह उसका इस्तेमाल करता है। जी, बहुत खूबसूरती से डॉक्टर अभिनव ने आपको रूबरू कराया झारखंड के जायके के साथ। तो आपको प्रसाद के बारे में भी जानकारी मिली, साग के बारे में भी जानकारी मिली। तो दोस्तों, यह एक छोटा सा प्रयास है कि हम इनक्रेडिबल इंडिया को लोगों से तक पहुंचाएं और उस इनक्रेडिबल इंडिया के एक हिस्सा, एक अभिन्न अंग जो है वो झारखंड भी है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको झारखंड के कुजीन की कुछ जानकारी देने का प्रयास किया। हम शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर अभिनव कुमार जी का, जिन्होंने समय दिया।
झारखंडी इन पाक व्यंजनों के बारे में आपको जानकारी दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल इंडिया होस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, चटपटी नमस्ते आप सबको, जोहार।